हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और आज मैंने व्लॉगिंग लेट शुरू करी है क्योंकि आज मैं लेट उठा था। तकरीबन 7:30 के करीब आज मैं उठा हूँ। तो अभी फ़िलहाल टाइम मैं ऊपर मौसम देखने के लिए आया था, तो मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप निकल रही है और ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। बल्कि आज के वेदर में तो बारिश दिखा रखी है, आज की भी बारिश दिखा रखी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला मुझे लगता है। और वहीं बात करें तो अभी मैं पहले चाय पी लेता हूँ, तो और आज मैं एक ऐसी जगह का व्लॉग करूँगा जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों अभी मैं पहले चाय पी लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट हम सीधे वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे आज का व्लॉग मैं करने जा रहा हूँ। फाइनली दोस्तों मैं उस लोकेशन पे पहुंच चुका हूं और आप मेरे पीछे जो टंकी देख रहे हो, तो दोस्तों मैं उसकी ऊंचाई पे भी जाने वाला हूं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड आज का ये व्लॉग है और इंटरेस्टिंग ये व्लॉग होने वाला है। चलते हैं इस डैम के अंदर। फाइनली दोस्तों मैं उस लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग है वो मेरे गांव से ही रिलेटेड था। तो मेरे गांव में एक डैम बना हुआ है, तो वो डैम पानी का डैम होता है, जैसे आप सभी को मालूम होता है। तो उसमें ना जो हमारे गांव का जो नहर का पानी होता है, वो नहर के पानी को ना स्टोर करके उसको कैसे पीने लायक बनाते हैं, आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने गाँव के जो डैम है उसका एक सिनेमैटिक वीडियो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बातें करता हूँ। तो आप सबसे पहले एक बार सिनेमैटिक वीडियो पर नज़र डालो, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। यार मैंने आपको अपना सिनेमैटिक वीडियो दिखाया है मेरे गांव के डैम का, तो वही बात करें तो यार देखो मेरे पीछे का बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं यार मेरे मन को बहुत ज़्यादा ना खुशी हो रही है यार, दिल भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है क्योंकि यार इतना अच्छा बैकग्राउंड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको टाइम टाइम पे पानी मिलता रहता है और यहाँ पे पानी की कमी तो है नहीं, लेकिन कैसे उसको फ़िल्टर बनाते हैं ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हो ये छोटे छोटे डैम बना रखे हैं, तो इनमें नहर का पानी है, ये सारा नहर का मतलब कि साफ़ पानी नहीं है। ये जो डैम मैंने अपने सिनेमैटिक वीडियो में दिखाया है, उस डैम का पानी इसमें आता है और इसके बाद यो इसमें चला जाता है। ऐसे ये चार कॉलम बना रखे हैं मेरे पीछे की तरफ, तो ये एक एक करके इसमें ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र होने के बाद इसमें जो मतलब कि मोटी मोटी गंद होती हैं, जैसे कि पेड़ के पत्ते हो गए या पन्नी वगैरह हो गई, ऐसे जो भी मोटे मोटा कचरा होता है उसको ये वाला जो छोटे छोटे कॉलम बना रखे हैं ये उसको साफ़ करके उसके बाद ये ऐसा है इसको पानी बना देते हैं, इसमें कोई भी कूड़ा कचरा नहीं है। तो यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ, तो वो वाला जो डैम है इसमें ये फिल्टर वाला काम होता है। तो दोस्तों इसके बाद ये पानी सारा उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाने के बाद ना दोस्तों, उसके अंदर जाने के बाद इसको बिल्कुल साफ़ पानी कर देते हैं, बिल्कुल साफ़ पानी बना देते हैं। जैसे इसमें तो थोड़ा हरा हरा सा पानी लग रहा है, लेकिन उसमें इसमें काई भी यूज हो रही है, थोड़ी काई भी बनी हुई है ना, तो इसको पीने लायक कैसा बनाया जाएगा, तो वो इसके थ्रू वो उस डैम में जाएगा जो मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं आप, और उसके बाद ये पानी कैसा बनता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे प्रोसेस के बाद ना इस पानी को बिल्कुल साफ़ करके ना ये लोग हमें हमारे गाँव तक पहुँचाते हैं और इसको पीने लायक बनाते हैं। तो दोस्तों अभी और भी प्रोसेस है, मैं आपको दिखाऊँगा इसके बाद ये पानी उस डैम के थ्रू के बाद ये पानी सारा मेरे पीछे वाला जो ये डैम बना रखा है ये बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ओपन वो नहीं है कि इसमें खुला पानी दिखे हमें, लेकिन इसमें है ना चैम्बर बना रखे हैं गोल गोल, अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो उसमें बाद में चेक करके उसको पानी को देख सके भाई पानी बिल्कुल साफ़ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो बात है। और अब इस पानी को कैसे साफ़ करता है उसके बाद इसमें आता है, ये प्रोसेस है इसका पानी को साफ़ करने का, ये सारा प्रोसेस है कि कैसे इसको एक के बाद एक उसमें डैम में छोड़ के इसको कैसे पीने लायक बनाया जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पानी कितना वैसा था और इसके बाद कैसा हो गया, तो ये सारा मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं उस लोकेशन पर पहुँच रहा हूँ जहाँ पर वो पानी साफ़ बिल्कुल निकल रहा है, जो कि पीने लायक पानी होता है ना वो निकल रहा है। तो दोस्तों सारा प्रोसेस होने के बाद ये पानी मेरे पीछे वाले इस डैम के थ्रू होते हुए ये आप देख सकते हैं कितना साफ पानी हो गया है ना, कितना साफ पानी हो गया है, तो बिल्कुल ऐसा पीने लायक बना देते हैं। एक दोस्तों अभी मैं आपको उस शख्स से मिलाता हूँ जो यहाँ के
डैम को संभालते हैं, तो वो भी हमारे गांव से ही रिलेटेड है, हमारा भाई है, बड़ा भाई है। तो मैं सबसे पहले आपसे मिला देता हूं। तो भाई रोहित यादव है जो कि इस डैम को संभालते हैं, यही पूरे डैम को अपनी निगरानी में रखती है, हमें मोटर्स को दिखाने जा रहे हैं। तो वो मोटर्स कैसे काम करती है, मैंने आपको कुआं दिखाया था, तो वो कुएं में से पानी कैसे निकालते हैं, तो भाई रोहित हमें दिखा रहे हैं। तो भाई रोहित के साथ मैं अभी जा रहा हूँ, तो आप एक बार मोटर्स देख लें। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे नीचे मोटर्स कितनी लगी हुई है, महंगी महंगी मोटर्स लगी हुई है। तो आपने में आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो आपको वॉइस क्लियर नहीं आई होगी। तो अभी हम एक बार ऊपर छत पे भी जाने की, मैंने आपको बोला था कि मैं रोहित भाई के साथ ऊपर जाऊंगा, तो अभी एक बार हम उसके साथ ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ का एक बार व्यू और दिखाएंगे। तो भाई रोहित के साथ जाने वाला हूँ, तो एक बार आप हमारे साथ चलना, देखते हैं ऊपर कैसे जा ले। तो ऊपर जा रहे हैं दोस्तों अभी हम फिलहाल टाइम, तो देखते हैं ऊपर कैसे। यार वैसे तो मैं पहले कभी इतनी ऊँचाई पर नहीं चढ़ा हूँ, मुझे डर लगता है, लेकिन कोशिश करूँगा यार, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक बार देख लेते हैं ऊपर कैसे जाते हैं। तो भाई देखो आप कितनी बड़ी है यार, काफ़ी ऊंची है यार, ये बहुत ऊंची है यार, बहुत ऊंची है। तो ऐसे ऊपर कैसे जाएंगे देखते हैं। भाई रोहित का वेट कर लेता हूँ, भाई रोहित आए हैं अभी, तो भाई रोहित के साथ एक बार ऊपर जाने की कोशिश करूँगा। वैसे मुझे तो बहुत डर लगता है, लेकिन भाई के साथ जाऊँगा, देखते हैं। मैं कभी भी ऊपर नहीं चढ़ाऊँ, ये वैसे मेरे गांव में पिछले 5-6 सालों से बनी हुई है। तो भाई रोहित के साथ ऊपर जाने के, तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है। भाई रोहित ये पाइप किस चीज़ का है? ये पाइप नहीं थर्माकोल का है, जैसे इसको लगा रखी है अपनी ऊपर की तरफ, सपोर्ट दे रखा है। हाँ सपोर्ट। अच्छा सपोर्ट के लिए भाई ये पाइप यूज़ हो रखा है। वैसे ये बनती क्यों है भाई? ये बनती नहीं हुआ है सर, जैसे लाइट चल जाए तो वैसे अपने पानी को गांव में बिना मोटर के थ्रू। अच्छा अच्छा, मतलब कि एक हाइट के थ्रू जैसे पानी ऊपर से नीचे आएगा, तो दोस्तों वो बिना मोटर के पानी गांव की तरफ अपने आ चल, क्योंकि प्रेशर बनता है ऊपर से, पानी अगर नीचे गिरेगा तो प्रेशर के साथ गांव की तरफ निकल लेगा, तो वो पाइप लाइन के थ्रू जाएगा पाइप पानी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है यार, अब इसके ऊपर की तरफ चल के देखते हैं यार। मैं तो भाई रोहित के साथ जा रहा हूँ पहली बार, तो देखते हैं ऊपर क्या होता है। भाई मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल टाइम, तो भाई रोहित के साथ लगभग देखते हैं। मैं पहली बार आया हूँ, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था, तो आज मैं पहली बार इस पानी की टंकी के ऊपर जा रहा हूँ, और देखते हैं ऊपर का व्यू कैसा आता है। तो अभी आधे रास्ते में तकरीबन आ गए हैं, नीचे की तरफ देख सकते हो। तो भाई रोहित के साथ जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर कैसा व्यू आता है वीडियो का, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे पीछे का नज़ारा दिखा दूँ, अभी मैं ऊँचाई पर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे जंगले भी लगे हुए हैं थोड़े थोड़े रोशनी के लिए। तो भाई सांस भी चढ़ गई है मेरे, तो इतना ऊपर है, लेकिन पहुँच जाएंगे जल्दी यार। ऊपर का व्यू मुझे लगता है बहुत ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि घनी हाइट पे आ चुके हैं ना। तो भाई रोहित तो पहले पहुँच चुके हैं, मैं थोड़ा पीछे रह गया था। तो भाई आप ऊपर के व्यू का नज़ारा देख सकते हैं, वैसे एक बार कितनी ऊपर आ गए हम, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो एक बार भाई रोहित ऊपर चढ़ेगा, फिर इसके बाद मैं चढ़ूंगा। तो काफ़ी ऊपर है यार, देख कितनी ऊपर आ गए यार, डैम भी पूरा दिख रहा है भाई। व्यू देखो यार, यार बहुत ऊँचाई पर आ गए हम, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आ गए। और भाई रोहित तो और ऊपर चढ़ गया यार, और ऊपर जाने की भी बोल रहे हैं वो, तो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं एक बार और।
भाई जिंदगी में पहली बार इतनी हाइट पे आया हूँ, मतलब कि इस टंकी पे आया हूँ। और पिछले 5-6 सालों से ये गांव में बनी हुई है, तो लेकिन मैं पहली बार आया हूँ और वो भी भाई रोहित की वजह से मैं इस टंकी पे आ पाया हूँ। वरना मुझे लग नहीं रहा था कि मैं शायद इस टंकी पे कभी चढ़ूंगा, लेकिन बहुत ही ऊँची हाइट है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है भाई। और भाई रोहित भी मतलब कि दूसरी तीसरी बार ही चढ़े हैं, इतना एक्सपीरियंस इनके पास भी नहीं है और मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे हाइट से ना थोड़ी सी यार एलर्जी सी है, मुझे ना चक्कर वक्कर आने लग जाते हैं। लेकिन मैं सोचा कि यार आप लोगों के लिए, आपके मनोरंजन के लिए और आपकी जानकारी के लिए ना मैं ये व्लॉग करूँ, और भाई रोहित ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा कि हाँ भाई चल मैं तेरे साथ हूँ, चल तू हाइट पे चल मैं तेरे साथ हूँ, कोई मना नहीं करेगा तुझे, तू बढ़िया वीडियो बना और लोगों के लिए बना, लोगों को जानकारी मिले। ये सब भाई रोहित की वजह से हो पाया है, वरना मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इतनी हाइट पर आने के बाद ये व्लॉग करूँगा। तो दोस्तों इतने रिस्क के बाद मैंने ये व्लॉग कराया, तो आप लोग भी प्लीज़ यार अपना सपोर्ट बनाओ यार, प्यार दिखाओ और इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। आपके लिए और एक से एक व्लॉग लेके आऊँगा, तो आज का ये व्लॉग का एंड मैं यहीं पर करता हूँ, और अगली व्लॉग के लिए भी मैं एक और एक्साइटेड व्लॉग लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।